नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। करवा चौथ व्रत 2018 में 27 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। करवा चौथ के व्रत का महत्व हमेशा से ही सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक रहा है। करवा चौथ के व्रत में वैसे तो चौथ माता यानी माता पार्वती का पूजन किया जाता है, लेकिन करवा चौथ के इस निर्जल व्रत को खोलने के लिए चंद्रमा का महत्व बहुत अधिक है। इस व्रत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्त्री बिना चंद्रमा को अर्घ दिए करवा चौथ का व्रत पूरा करे। चंद्रमा के दर्शन और अर्घ के बिना इस व्रत को सफल नहीं माना जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं। ये व्रत रखने के लिए महिलाएं एक दिन पहले आधी रात के बाद सरगी खाती हैं और इसके बाद चंद्रोदय होने तक वो अन्न या जल ग्रहण नहीं करती। करवा चौथ का व्रत चांद और पति के चेहरे को छन्नी से देखने के बाद ही खोला जाता है। महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। शाम को श्रृंगार कर देवी की पूजा करती हैं। चांद निकलने पर छलनी से पति और चंद्रमा को देखती हैं। पति इसके बाद पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। हालांकि इस बार महिलाएं करवा चौथ पर व्रत का उद्यापन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस बार शुक्र तारा अस्त रहेगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।